सतना में पकड़े गए एक चोरी के आरोपी की आरपीएफ के लॉकअप में मौत हो गई। इस मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। आरोपी की मौत को लेकर परिवार वालों ने आरपीएफ पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। रीवा निवासी 18 वर्षीय आदित्य पासी को आरपीएफ ने सतना स्टेशन से चोरी के संदेह में पकड़ा था। आदित्य पर महानगरी ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चोरी का आरोप था। गिरफ्तारी के 2 घंटे बाद ही उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद आरपीएफ पुलिस ने गुपचुप तरीके से शव को फांसी से उतार कर जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया और मामले में करीब 4 घंटे तक पर्दा डालकर रखा। आखिरकार करीब रात 10 बजे मृतक के परिजनों को सूचना दी गई और मौत की वजह कंबल से फांसी लगाना बताया गया। हंगामे के बीच मामले की जाँच करने आरपीएफ कमांडेंट भी पहुंचे और पूरे मामले की जुडिशियरी जांच के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद मृतक का पीएम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। बहरहाल मामले में आरपीएफ सवालों के घेरे में है। नियम के तहत यदि आरपीएफ की संदेही अपराधी को प्लेटफॉर्म पर पकड़ती है तो उसे आरपीएफ पुलिस को सौंपती है, मगर इस मामले में आरपीएफ ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, किसी संदेही को लॉकअप में नहीं रखा जाता और सवाल ये भी है कि गर्मी के दिन में कंबल लॉकअप में कहाँ से आया। प्राकृतिक आपदा से बच सकते हैं, इसलिए इसका प्रावधान होते हैं। ऐसे एक्सीडेंटल मामलों में या सुसाइडल मामलों में बहुत सारी योजनाएं ऐसे लागू नहीं होती। फिर भी रीवा प्रशासन को अवगत कराते हुए इसमें अगर वो संभल के अंतर्गत परीक्षण कर ले और अगर उस पर आता है तो रिक्वेस्ट करेंगे रीवा प्रशासन से। देखिए, मृतक के परिजन आए हुए हैं, इनको ये बताया गया हमने और एसडीएम साहब ने कि चूंकि ये कस्टोडियल डेथ है, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसका पंचनामा लेंगे, इसकी न्यायिक जांच होगी, तो इसमें किसी प्रकार की शंका मन में न रखें और जांच में सहयोग करें। जितना शीघ्र हो सके पंचनामा कार्रवाई करवा के पोस्टमार्टम जिससे हो सके और जो साक्ष्य हैं वो संकलन हो सके। हमको पता चला 8 तारीख को भाई के ससुर वाला आया था सतना, तो 8 तारीख को हमको कुछ नहीं पता चला। 9 तारीख को 8-9 के बीच में 2 पुलिस वाले आए घर रीवा के, तो उसने फोटो दिखाई, पूछा ये कौन है, तो हमने कहा छोटा भाई हमारे, तो उनसे हमने पूछा कि हो क्या गया, कैसे कुछ नहीं ऐसे ही पूरा आए, हमारा नंबर लेके गया। 2 घंटे बाद हमको फ़ोन किया गया कि आपका भाई फांसी लगा लिया। GRP हम पहुँचे, GRP कहा कि हमको कुछ नहीं पता, आरिया पहुँचे तो हमको पता चला कि फांसी लगा लिया। हमने अपने बच्चे की बॉडी देखनी चाहिए तो हमको डंडा से मार के भगा। कहाँ फांसी लगाया रहे लोग भाई, कहाँ फांसी लगाया रहा? रेलवे में, थाने के अंदर, थाने के बाहर, थाने के अंदर बंदीगृह में, बंदीगृह में फांसी लगा दिया। हमने अपने वो भाई को देखना चाहा, नहीं दिखाया गया, डंडा मार के भगा भगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।